क्यों जी, बहुत शॉर्ट नोटिस असी बुलाया है और बड़े इंपॉर्टेंट इशू वास्ते। जिवें तुसी देख रहे हो कि दो दिन पहले CBI ने जिहड़ी चार्जशीट है जगदीश टाइटर के खिलाफ कोर्ट के विच दित्ती है, जिहड़ा उहदे उत्ते पुल पंकज के गुरु घर के विच 1 नवंबर नूं उत्थे 3 सिखां दे कतल का केस है, गुरचरण सिंह, ठाकुर सिंह एंड बादल सिंह। और हमेशा ये कहता रहा कि मेरे पे ना कोई केस है, ना कोई मेरे ऊपर किसी किस्म का आज तक मेरे को किसी में इन्वॉल्व किया गया है। जगदीश टाइटर इको राग अज तक लापता रहा, असी ये लड़ाई बड़े चिर तो लड़ते पे सीगे कि भाई इस तो वड्डा कातल जिवें सज्जन कुमार है, जिवें HKL भगत सीगा, जिवें धर्मदास शास्त्री सी, जिवें माखन सीगा, ये उन्हां तो घट नहीं सी, लेकिन अपने रसूख नाल हमेशा बचता रहा। लेकिन हुण मैं थैंक्स करदा CBI दा, मैं थैंक्स करदा विटनेसिस दा, लीगल टीमां दा, ऑर्गेनाइजेशन दा, जिन्हां ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और 39-40 साल बाद ये खिलाफ है जिहड़ी चार्जशीट जिहड़ी है बाय नेम, जिहदे विच मैं समझदा कि असी जिहड़ा इहदा स्टिंग ऑपरेशन दिता सी, जिहदे विच इहने जिक्र कीता सीगा कि 100 सिख मार दिए, उहदे च असी 4 या 5 स्टिंग दित्ते सी, इन्हें 100 सिखां दे मारन की गल की। इसने आख्या कि 150 करोड़ रुपया मेरे पुत्र दा स्विस बैंकां दे विच पिया है, वो मैं स्टिंग ऑपरेशन दे विच दिता सी इहदी जबान तो। उस तो बाद इन्हें आख्या सीगा कि मैं हाई कोर्ट दे जज लगवाए ने, मैनू कोर्ट दे विच की मेरा कोई बिगाड़ सकता है। और इस तो इलावा इसने आख्या सीगा कि कांग्रेस हाई कमांड जिहड़ी है वह मैनू मुख्यमंत्री बना जा रही है दिल्ली का। यह सारा जिहड़ा स्टिंग सीगा यह मैं CBI 2018 दिता सी, उहदे करके इसके वॉइस सैंपल लए गए ने, मैनू CBI ने बुलाया सी, परमिंदर होर भी गए सीगे और उहदे विच साडे कोलों CBI ने सारी जांच पूछताछ की सी, जिन्हें मैनू उह स्टिंग दिता सीगा उसनों भी बुलाया गया, रवि चौहान नूं, और इसकी भी जिहड़े जांच दे सैंपल लए सीगे वॉइस दे, उसकी भी CFSL तो रिपोर्ट CBI को जरूर आई होएगी। अज मैं इसकी डिटेल तो चलो बाद देना, लेकिन मेन जिहड़ी गल है जिस ते मैं आया वा वो ये है कि मैं कांग्रेस के प्रधान को चिट्ठी लिखी है, मैं मलिक अर्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखी है कि एक गांधी परिवार जिहड़ा राहुल गांधी ने बहुत लंबा एक यात्रा की है पूरे हिंदुस्तान की, भारत जोड़ो यात्रा जिसनों आखते हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा च उसने आख्या कि हिंदुस्तान दे विचों मैं नफरत, हिंदुस्तान दे विचों मैं आतंक दियां दुकानां, मैं एक कम्यूनल जिहड़ी डिसहारमनी है उसनों मैं खत्म करना है। मैं ये कह रहा वा कि अगर तुसी एडी लंबी यात्रा पैदल कढ़ी है और एडे तुसी समा लगा के कढ़ी है, पूरे दुनिया पूरे हिंदुस्तान दे विच तुसी पैदल तुरे हो, तो मैनू जवाब क्यों नहीं देंदे खड़गे साहब, सोनिया गांधी या राहुल गांधी नू? मेरा सवाल है कि सज्जन कुमार नू 5 साल हो गए जेल दे विच, वो तुहाडे सामने है कि DICMC जदों सीगे, या जिहड़े मैं गल कर लवां निरप्रीत कौर हो जाए, या मैं लीगल टीम बनाई सी उदों जसविंदर जौली जिसनू हैड करदे सीगे, किस तरीके नाल सज्जन कुमार अंदर गया और वह जगदीश कौर जी हो जाए, जगशेर जी हो जाए, या होर जिहड़े 84 दे विक्टिम्स भी ने और गवाह भी ने। मैं सिर्फ इन्नी गल कहनी चाहना कि 5 साल तो वह जेल च हैगा और अज जिहड़ा जगदीश टाइटर अपने आप नूं पाक साफ कहिंदा सी, अज उहदे उत्ते चार्जशीट दे विच उहदे ते सिद्धा नां उहदा आ गया और उहदा अंदर जाणा जिहड़ा हुण कोई नहीं रोक सकदा। अज की मजबूरी है कांग्रेस दी कि इहनां नूं राहुल गांधी अपनी पार्टी चों नहीं कढ? असीं इह मंगिया कि इह भारत जोड़ो यात्रा दे विच जिहड़ी तुसीं भाईचारे दी गल कर रहे हो, जिहड़े हिंदुस्तान च गुनाहगार ने, जिहड़े गुनाहगार भी ऐसे कि इसनों मैं दंगे नहीं कहता, इसनों नरसंहार कहना वा, इसनों नसलकुशी कहना वा, उहदे जिहड़े दुश्मन ने उन्हां नूं क्यों नहीं कढ रहे? अज भी तुसीं टाइटर नूं किते ना किते प्रभारी बना दिंदे हो, किते कुछ बना दिंदे हो,
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਐਸੇ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤੇ CBI ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਨੇ 2005 ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। UPA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ 3ਜੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ CBI ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਰਸੂਖ ਦੇਖੋ, 2007 'ਚ, 2010 'ਚ, 2014 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ 7 'ਚ ਵੀ, 10 'ਚ ਵੀ ਔਰ 14 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ CBI ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। CBI ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੇਗੀ CBI ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਟਨੈਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਫਰੀਜ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਵਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ CBI ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਫ਼ਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਭਾਰਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਲੜਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੰਬਰ 1। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਵਾਂ ਕਿ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 8000 ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, NSA ਲਗਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 88 ਬੰਦੇ, 105 ਬੰਦੇ ਸੀ, 88 ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਰੈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੂਟਿੰਗ ਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਗਜ਼ਨੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ 302 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮਰਡਰ ਚਾਰਜਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
पर हुण मैं समझदा कि जे वड्डे मगरमच्छां नूं हले इहनां च तुसीं नां लिया कमलनाथ दा रहिंदा वड्डे मगरमच्छां नूं जे असीं अंदर करान दे विच कामयाब हो जांदे आ तो मेरा ख्याल है कि जेहड़े बाकी जेल च ने बलवान कोखर हैगा महिंदर यादव हैगा महिंदर यादव की डैथ हो गई जेल दे इस तरीके ने कई बंदे हले अंदर ने मेरा ख्याल है जिहड़ी सारी साजिश है होई है इहनूं बेनकाब करन वास्ते ओहदे ओहदे वास्ते की होया क्योंकि इहनां नूं ते हो जाएगी सजा जिहड़े सिलेक्टर दे बंदे आ राजीव गांधी ने बनाया सी वेद मरवा कमिशन जेड़ा चीफ ऑफ दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सी उसका कमिशन बनाया कि दिल्ली दे विच जिन्नियां भी 100 नंबर तो कॉलां जांदियां ने जेड़ी कंट्रोल रूम च पुलिस दे जांदियां ने वो अगे डायरी हुंदियां ने कि कॉल आई है ये फलाने जगह समझ लो कि ग्रेटर क्रैश फलानी जगह को वारदात हुई है तो केड़ी जेड़ी फ्लाइंग स्क्वाड है उत्थे पहुंची है उसने थाने नूं इनफॉर्म किया थाने दे विच उहदी रिपोर्ट हुंदी है उहदी रजिस्टर हुंदी है उहदी डायरी रोजनामचे च उहदी दर्ज हुंदी है वह सारे रिकॉर्ड चैक करन वास्ते कि किन्नियां कॉल आईयां सी और पुलिस ने एक्शन की लिया वह अद विचाले ही राजीव गांधी को समझ आया जो पुलिस वाले ने कहा या मिनिस्टर ने कहा कि असीं तो मर जाएंगे जे ये चीज़ नंगी हो गई उसनों अद विचाले ही रोक दिता गया सी अज मैं तुहाडी गल ठीक है मैं मोदी साहब नूं अपील करदा कि वह जिहड़ा वेद वर्मा कमिशन जिहड़ा अबंडन कर दिता गया सीगा राजीव गांधी दुबारा नवा कमिशन बनाया जाए उहदी इंक्वायरी करो तो सारे उहदे च पोलिटिकल और पुलिस नेक्सस जिहड़ा वह सामने निकल के आ गया। कुछ साल पहला अरविंदर सिंह लवली जब कांग्रेस के प्रधान सन दिल्ली कांग्रेस के उन्होंने क्या सी मीडिया से आया था बयान जब कांग्रेस दोस्त गांधी थी बीजेपी तो बीजेपी कांग्रेस लगान थी तो अरविंद सिंह लवली ने क्या कि आर एस एस के जो लोग शामिल रहे हैं कत्याम उन्होंने बारे बीजेपी क्यों नहीं बोलती तो की राय इस बारे मैं समझदा कि भावें वह आर एस एस का है भावें वह बीजेपी का है भावें वह कांग्रेस का है भावें वह अकाली दल का है सारियां नूं नंगा करना चाहिए साडे वल्लों किसी नूं भी नहीं छड्डना चाहिए लेकिन मैं समझदा वा कि कांग्रेस का एड्डा चिर राज रहा है उन्होंने चाहिए सी कि आर एस एस वाले तो नंगा कर दिता वो मैं समझता कि भावें किसी ने किया साडे वल्लों ये सारियां दे उत्ते कार्रवाई तुसीं उन्हें कहा तुसीं गवाहां दे नां नहीं लैना चाहते दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने प्रेस नोट इशू किया दो दिन पहले उस उन्होंने दो लिखा कि मार्च दो गवाहां दे बयान उन्होंने ना लिखे ने गवाहां दे उन्होंने 164 के अंदर बयान दर्ज करवाए दिल्ली कमेटी ने प्रेस नोट इशू किया तो वो कहते साडा एफर्ट्स है जिहड़ा असीं लड़ रहे हैं ये सजा दवाउण च देखो मैं उस वेले प्रधान सीगा तुसीं जिहड़ी गल कह रहे हो सरसा साहब की मैं एक प्रेस स्टेटमेंट सी कि मैं उदों जनरल सैकटरी सी तो उस वेले प्रधान कौन सी तो उतों की